टू वे डाटा बाइंडिंग क्या होती है, इवेंट बाइंडिंग क्या होती है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, डाटा बाइंडिंग। हाँ जी, आज का टॉपिक है हमारा, एक ही टॉपिक रहेगा, डायरेक्टिव्स ना, कभी किसी ने भी डायरेक्टिव नाम तो सुना है लेकिन पता नहीं है। तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लो इस चीज को कि ये क्या है। डोम की इंस्ट्रक्शंस होती हैं दैट स्पेसिफाई वेयर विच थिंग्स वी शुड प्लेस। ये डोम की इंस्ट्रक्शन होती है, स्पेसिफाई करते हैं हमें कौन सी चीजें कहाँ पे प्लेस करनी है, हमारे ऊपर डिपेंड करती है चीजें, ठीक है। या यूं समझ लो कि इस चीज को डोम ही है एक टाइप से। ये होते हैं तीन टाइप के, नंबर वन कंपोनेंट, नंबर टू एट्रीब्यूट, नंबर थ्री। इसको टू में ले लेते हैं, थ्री नहीं होता है, टू होता है। हाँ जी, कंपोनेंट जो कल मैंने बताया, कंपोनेंट पूरा वही कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट डायरेक्टिव, स्ट्रक्चर डायरेक्टिव, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। तो सबसे बस पहले आज हमारे पास फर्स्ट स्टेप आता है, हम एक कंपोनेंट क्रिएट कैसे करेंगे। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें करके देख ली, कंपोनेंट के अंदर चेंज जरूर करके देख लिया, लेकिन अभी तक हमने कोई कंपोनेंट क्रिएट करके नहीं देखा है। तो जो भी चीजें मेरे पास एक बार एक्स्ट्रा खुली, मैं सब चीजों को हटा रहा हूँ, ठीक है, बस रीडमी रख। अब आपको सीएमडी ओपन करना है अपना, उसके अंदर टाइप करना है एनजी, जी फॉर जनरेट, पी फॉर कंपोनेंट एंड कंपोनेंट का नेम, ठीक है। सर, इस पहला कमांड के हमारा ऊपर सी, सीएमडी, इस कमांड के ऊपर सीएमडी और लिख दीजिए। एक्चुअली क्या है ना, मैं यहीं से स्क्रीनशॉट ले लूंगा थोड़े। ओके ओके ओके, तो फिर ये कर देता हूँ, प्रोजेक्ट सीएमडी, जो हमारा प्रोजेक्ट है वहां की सीएमडी। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है, सीएमडी ओपन कर दी, एनजी जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट एंड कंपोनेंट का नेम। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ पेजेज वाले के अंदर जाइए, मीन्स एक पेजेस नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाए और उसके अंदर फॉर्म नाम का कंपोनेंट चला जाए। समझ आया क्या लिखा मैंने, जी सर, फिर से एक बार जो पहले सर, उपस... एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कीजिए सर। एनजी फॉर, एनजी का मतलब होता है एंगुलर, जी का मतलब होता है जनरेट, सी का मतलब होता है कंपोनेंट, और पेजेस नाम का फोल्डर होगा और उसके अंदर होम नाम का कंपोनेंट होगा। आया यस समझो, सर, हाँ सर, हाँ एंटर कर दो। अब सब काम ही अपने आप कर देगा, टीएस वगैरह सब कुछ बना देगा, आपको कुछ भी बनाने की नीड नहीं है। सर, पेजेस टीएस का मतलब हो वीएसएस, गया कंट्रोलर। नहीं, ये तो पेजेस एक मेरा फोल्डर का नाम है, कंट्रोलर कुछ नहीं यहाँ पे। ओके, ओके अरे रिएक्ट में कर रहा हूँ, रुक जाओ यार, मैं भी कहाँ पे ध्यान रख रखा है, रिएक्ट वाला खोल रखा है, उसके अंदर भी फर्स्ट नाम लिख रखा है ना। यस सर, एनजी होता जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट, पेजेज स्लैश होम। जो भी आप नाम रखना चाहते हैं आपकी मर्जी, मैं होम लेके चल रहा हूँ। अब प्रीफिक्स के बारे में मैंने कल ही बता दिया था कि अब इसका प्रीफिक्स क्या बनेगा, एप हाइफन होम, ठीक यस सर, है। तो कंपोनेंट का नाम हमारा होम है, पेजेज नहीं है, पेजेज को फोल्डर का नाम है। देखो एसआरसी के अंदर ऐप बना, ऐप के अंदर पेजेस बना, पेजेस के अंदर होम बना और होम के अंदर कंपोनेंट बना। तो हमारे सारी फाइल कहाँ पे है, होम नाम के फोल्डर के अंदर। और कंपोनेंट में यही होता है, डॉट एस टी एम एल, डॉट स्पेक और डॉट टी एस और डॉट सी एस एस। चलो थोड़ा सा फिर भी कर लेते हैं, और उससे पहले चेक करने से पहले काम करते हैं। देखो इसने क्या बोला है, किसने अपडेट कर दिया किसको, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस। अब अपडेट किया तो इट मीन्स कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन किया हुआ, कल बताया था मैंने, क्योंकि ऐप के अंदर तो जी रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब रजिस्ट्रेशन इसका कहाँ पे मिलना चाहिए, डिक्लेरेशन के अंदर, क्योंकि कमेंट आज भी डला हुआ वही सेम। सॉरी 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 सॉरी, देखो ये रहा डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन के अंदर क्या आ गया,
फॉर्म कंपोनेंट, ये तो अभी बनाया हमने, समझ आया? जी अपने आप आता रहेगा, आपको नहीं करने की जरूरत रजिस्ट्रेशन, सीएलआई कर देगा सब कुछ, ये बेनिफिट है सीएलआई से करने का। हाँ अगर मैनुअली करेंगे तो फिर तो हाँ मेरे भी कंफ्यूजन हो जाए कुछ ना कुछ। हाँ जी सीएलआई है जब आपके पास, आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है हर चीज की, तो क्यों मेहनत करें। अब चलते देखो, पेजेस नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया ना ऐप के अंदर, पहले तो नहीं था कभी, आप फॉलोइंग लिख देना, और उसके अंदर देखो होम नाम का है, और होम के अंदर ये फाइल है, देखो होम HTML। तो सर कोई हम भी सर जब ये एंगुलर खुद सर बना कर दिया है सर, ऐप कंपोनेंट HTML स्पेस TS दिया है, सब चीज बना कर दिया है, तो सर हम खुद से फिर कंपोनेंट क्यों क्रिएट करते हैं? कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, आपके कोड के टुकड़े, कोड को रीयूज कर सको। एंगुलर के अंदर तो पेज तो है नहीं, कंपोनेंट है ना सारा खेल। यस सर, मान लो आपको अबाउट का करना है, तो अबाउट के पे कैसे करोगे, ऐप के अंदर तो नहीं होगा वो, ठीक है? तो उसके लिए हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। हाँ, हर चीज के लिए कंपोनेंट ही क्रिएट करेंगे यहाँ पे, तो कुछ भी करना हो। तो सर कैसे मालूम चला कि कौन सा कोड हमको कंपोनेंट वाला में करना है, जो हमने क्रिएट किया उसमें करना है, या पहले से जो यही तो मैं बता रहा हूँ, डायरेक्टिव होता है, और क्या बता रहा हूँ अभी, यही तो सीख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा सबर करो, आ जाएगा सब कुछ। हमारे जितने भी पेजेस बनेंगे देखा जाए, वो बेसिकली कंपोनेंट बनेंगे उतने हमारे। हाँ, कंपोनेंट होता है वो, पेज नहीं होता है यहाँ पे। जी, पेज पहले होता था, 3 के आसपास होता था, तब खत्म कर दिया, फिर कंपोनेंट बेस्ड हो गया था। अब देखो एक रूल का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कभी भी कोई कंपोनेंट बनाओगे ना, जिस नाम से बनाओगे, मैंने होम नाम से बनाया, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, पैराग्राफ के अंदर होम वर्क्स। आप कॉन्टेक्ट बनाओगे, कॉन्टेक्ट वर्क्स आ जाएगा, समझ आया? Yes. तो अब चलते हैं इसके सेलेक्टर के ऊपर। सेलेक्टर किसके अंदर मिलता है, टीएस के अंदर, ये देखो मिला ना, ऐप हाइफन होम। अब आपको ये सेलेक्टर कॉपी करना है, और जहां पे कंपोनेंट चलाना है ना, वहां पे चले जाओ, मुझे ऐप के अंदर चलाना है, मैं चाहता हूं इन दोनों के बीच में। अब उसके अंदर होमवर्क्स लिखा हुआ, तो इन दोनों के बीच में देखना, होमवर्क्स लिखा हुआ जाएगा। आगे देख लो, बटन और इमेज के बीच में लिखा रहा, तो बटन और इमेज के बीच में आ गया। yes, तो यही तो मैंने लिखा कि यही तो स्पेसिफाई करता है कि डोम में हमें कहां पे क्या चीजें रखनी पड़ेंगी। इसे पूरा ये टॉपिक डायरेक्टिव का, समझ आया? कंपोनेंट कैसे आप बना सकते हो, yes, और उसको कैसे यूज कर सकते हो कहीं पर भी, बस उसका सेलेक्टर लिख दो जहां पे भी यूज करना। यही सेम चीज रिएक्ट में होती है, एज इट इज, बस उसमें कंपोनेंट आपको खुद को बनाने पड़ते हैं, इसमें सीएलआई करता सब काम। जो यहाँ पे हम इंटरपोलेशन यूज कर रहे थे ना, वो रिएक्ट में सिमिलर कर लेंगे, तो बहुत डिफरेंसेस भी साथ के साथ बताता चलूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। चले आगे, अब नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर डायरेक्टिव। अब कल मैंने आपको लास्ट में जाते जाते ये बोला था, क्या आपने कभी भी HTML की फाइल के अंदर कभी भी लूप लगा के देखा बिना स्क्रिप्ट के या कंडीशन? आज लगाएंगे। तो कंडीशन लगाने के लिए सबसे पहले हमें कंडीशन का पता भी तो होना चाहिए, समझे? कोई इफ कब काम करता है, मतलब दीपक प्लीज म्यूट कर लो, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी आनंद, इफ कब काम करता है सर? इफ सर अगर जहां पे मतलब ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। अरे इफ का क्राइटेरिया क्या है वर्क करने का, जब ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यस सर, तो इफ कभी भी मतलब, हाँ सर, जब हमारी मैच कंडीशन मिलेगी या जो भी, अगर मैं इफ के अंदर ट्रू लिख दूं, सिर्फ ट्रू,
इस केस में ये बताओ इफ काम करेगा या एल्स काम करेगा, सर इफ काम करेगा, क्योंकि उसके अंदर ट्रू है, उसको ट्रू ही यस तो चाहिए हमेशा। yes. तो अब इसी चीजों का यूज करना है। हमारे पास एंगुलर ने क्या दिया, एनजी इफ डायरेक्टिव। अब ये मजेदार है, मैं क्या करता हूं, जितना भी ऐप के अंदर कोड है ना सारा हटा देता हूँ, सिर्फ होम वाला रहने देता हूँ, क्योंकि होम के अंदर करता रहूंगा मैं चेंजेस, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लगा के चलेंगे। हाँ जी, मैं होम के अंदर आ जाता हूँ, अब ऐप का भी मेरा कोई काम नहीं है, अब जो करूंगा होम के अंदर। यह आ गया मेरे पास होम, मैंने क्या लिया, एक H1 ले लिया और उसके अंदर लिख लिया हेलो दीपक एंड अनंत। अब इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कंडीशन वाइज आए कि जब ट्रू हो तभी आए, उस चीज के लिए मैंने क्या लिया, इसी के अंदर स्टार एनजी इफ लगा दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, ट्रू लिख। आया समझ मैंने क्या लिखा, यस सर। तो ट्रू है तो इट मीन्स ये आएगा, चेक कर लेते हैं। देखो आ गया। अब इसको फॉल्स कर दूं तो क्या ही आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, हमने तो ये देखा है फाइल्स में कि अगर अकेला इफ भी है तो देखो नहीं आया। नहीं है। अब देख लो एचटीएमएल के अंदर नहीं लगा रहे हो लूप, वो सॉरी कंडीशन, अब बस इसने अपना सिंटेक्स दे दिया मॉडिफाई करके। अब बात आई इसके अंदर यार इफ एल्स नहीं होता है, ध्यान रखना, एल्स को लगाने का इसने एक तरीका दिया हुआ है, तो इस चीज के लिए मैं क्यों ना एक प्रॉपर्टी का यूज कर लूं, सर टी प्रॉपर्टी ना। टी सर टीएस में जब हम लॉजिक यूज करेंगे तो सर वहां पे इफ एल्स तो वर्क होगा ही। नहीं यार हर जगह के इफ एल्स, सर अपने अकॉर्डिंग चलेगा ना, वहां से आप वैल्यू भेजोगे एचटीएमएल के पास, फिर आप एचटीएमएल पे अपनी कंडीशन लगाओगे किस भी आप पे आपको क्या वैल्यूज दिखानी है। तो सर एंगुलर में इफ एल्स यूज होगा ही नहीं। नहीं यार होगा, बहुत होगा, जब आप लॉग इन करोगे, रिक्वेस्ट डालोगे कहीं से, या भेजोगे किस वे में रिक्वेस्ट भेजनी है, बहुत सारी चीजें अभी तक। हाँ इसने एचटीएमएल के अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी दे दी, डायरेक्टली लिख सकते हैं अगर एचटीएमएल के ऊपर ही करना, अलग से कुछ लिखना नहीं पड़ेगा कि उसके अंदर कंडीशन डालो फिर करो, वो नहीं है, नीट एंड क्लीन दिया। अब मैंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी बना दी, कोई भी नाम से बना देते हैं, मैंने प्रॉपर्टी बना दी इज वैलिड और इज वैलिड के अंदर ट्रू सेट कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इज वैलिड को मैं जहां पे भी यूज करूंगा ट्रू मिल जाएगा मेरे को, यस। इसमें क्या दिक्कत, चलो आगे। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ, स्टार के साथ कुछ भी लिखा हो ना तो उसके अंदर प्रॉपर्टी लिख सकते हो आप डायरेक्टली, ठीक है ये ध्यान रखना, या फिर इसको प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू लिखो। अब हमारा डाटा आना चाहिए क्योंकि वहां पे ट्रू है, आ गया। हाँ जी दीपक आ रहा है समझ, सर अगर यहाँ पर हम लिख दें इज वैलिड इक्वल्स टू दीपक, यार वो तो फिर डबल इक्वल टू का पार्ट हो जाएगा ना, ओके ओके डबल ट्रिपल जो भी आपको, देखो नहीं आया। अब मुझे इफ एल्स ये देता तो नहीं, लेकिन इफ एल्स बनाने का तरीका अगर पीछे से कैसे ट्रू फॉल्स आ रहा है, तो एक काम कर दो नोट कर दो एक जगह, उसका उल्टा हो जाएगा, अगर ट्रू है तो दीपक को आनंद आ जाएगा, अगर फॉल्स है तो उमेश आ जाएगा। देखो आ गया ना, क्योंकि किसी का भी ट्रू होगा नोट कर दोगे तो क्या होगा, फॉल्स हो, किसी फॉल्स का ट्रू कर दोगे तो नोट हो जाएगा, या सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, किसी भी फॉल्स का नोट कर दोगे ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पे फॉल्स का फॉल्स रहा यहाँ पे ट्रू हो गया वही चीज। तो अब इसको ट्रू करूंगा तो कौन सी, हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ नहीं सर सही सही है, वही मैं देख रहा था कि इज वैलिड में फॉल्स है कि ट्रू है, मैं वो देखा। अब क्या आना चाहिए, ट्रू है तो सिर्फ दीपक एंड आनंद आना चाहिए, यस सर देख लो, समझ आ रहा दीपक अब। हाँ सर ये तो आ गया। अब नेक्स्ट आता है इफ एल्स भी हो सकता है इसके अंदर, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, वो बता रहा हूँ मैं। अच्छा किसी ने रेफरेंस वेरिएबल सुना है क्या होता है, कहीं पे भी
मीन्स किसी का एड्रेस दे, वो ही तो रेफरेंस वेरिएबल होता है किसी चीज का। तो जी इसके बाद एमी कोलन लगाओ आपकी प्रॉपर्टी के बाद, एल्स लिख दो, और एल्स के बाद कुछ भी आपका मर्जी करे वो लिख दो। मैंने जेड लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जेड क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है। अब मैंने क्या किया, एक H1 बना दिया और उसके अंदर हैश करके जेड लिख दिया। ये रेफरेंस वेरिएबल को यूज करने का तरीका है। और यहां पे लिख दिया हेलो उमेश, चेक कर, गड़बड़ आ गई। अब यार ये गड़बड़ हमें पता कहाँ से लगेगा, अगर आप कंसोल खोल के देखोगे तो आधी से ज्यादा तो आपको समझ में नहीं आएगी क्या लिखा हुआ है। देख लो, क्योंकि तो इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर देगा जो देगा। अपना सीएमडी ओपन कर लो, वो क्या कह रहा है पढ़ लो इस चीज को। अब जब भी कभी आपके सामने ये लिखा हुआ जाए ना, एचटीएमएल हेडिंग है और पैराग्राफ एलिमेंट इज नॉट असाइनेबल टू टाइप टेम्पलेट रेफ, तो इस केस में आपको क्या करना पता है, इसमें गलती बता रहा है, इसकी जगह एनजी टेम्पलेट कर दो। उसके अंदर एच1 यूज कर लो, बस हो गया। एल्स यूज करना तो ये तरीका है एंगुलर के अंदर। देखो अभी उसके अंदर ट्रू है, ठीक है, डन, कोई एरर नहीं है। अब मैंने क्या किया, वहां पे फॉल्स कर दिया। अब फॉल्स करते किस में भागता है वो, हमेशा एल्स में भागेगा ही। एल्स एल्स उसको कहां पे रेफरेंस दे रहा है, इसलिए तो रेफरेंस वेरिएबल भेजते हैं। बट एनजी टेम्पलेट पे भी दे रहा है, एनजी टेम्पलेट क्या है, उसके अंदर जो होगा वो आ जाएगा। सर ये रेफरेंस देने से सर देते क्यों है सर ये रेफरेंस? क्योंकि यार हमें एल्स का भी तो ब्लॉक यूज करो ना, यहाँ पे ब्लॉक मान के चलता है इसको। ये एक ब्लॉक है इफ का, ये एल्स का ब्लॉक है। अब इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो रेफरेंस बनाना पड़ेगा। देखो ये खुद क्या कर रहा है, पढ़ लो इस चीज। सर लेकिन जो जैसे ये सिंगल इफ है इसका तो कोई यूज होगा ही नहीं ना, हमेशा डबल मतलब डबल इक्वल टू वाला कंपैरिजन वाला इफ यूज होगा ना। नहीं यार, बहुत सारे लॉगिन में क्या होता है, लॉगिन में ट्रू फॉल्स ही तो होता है। यहाँ पे आप देखो उससे पहले मतलब कंपेयर, फॉल्स, उससे पहले कंपेयर भी तो कराना ही पड़ेगा, मतलब कोई चीज करवा सकते हो वो चीजें, सब कुछ है वहाँ पे। डबल इक्वल टू लगा के कंपेयर करना चाहते हो जो आपको करना, तरीके वो ये, बस इफ एल्स के थोड़ा सा लिखने का जो सिंटेक्स था ना वो चेंज हो गया यहाँ पे। पटानंद क्या कह रहा है, वो टेम्पलेट के अंदर खेल खेलने के लिए बोला कि आप टेम्पलेट के अंदर खेल खेल सकते हो अपने, इसका कहने का मतलब ये है। आपको वहां पे जाके वेरिएबल बनाने की नीड नहीं है टीएस के अंदर, इसलिए हम रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं, वरना ये जेड वहां पे डिफाइन करना पड़ता फिर मेरे को, क्योंकि जितने भी वेरिएबल हो तो टीएस में जाएंगे। अगर एचटीएमएल के अंदर वेरिएबल लिखना है तो एनजी टेम्पलेट का यूज करना पड़ेगा। ठीक चले आगे। है सर एक चीज और, अगर इन दोनों के बीच में आप एक H2 टैग डिफाइन करना, इन दोनों के बीच में कोई भी कर यस लेते, चलो इसको बोल दिया था आपने। इसके अंदर कोई भी रैंडम टेक्स्ट लिख दीजिए, मतलब मेरा ये पूछना था ये एल्स वाला पहले प्रिंट होगा या बाद में इसके। ये तो देख लो अभी एल्स में क्या है, एल्स में ये कुछ करने को भी देखते पहले ही होगा क्योंकि रेफरेंस उसका ऊपर से आ रहा है फिर। ठीक ओके है, चलो बहुत अच्छा था, मजा आया, क्वेश्चन पहली बार देख के ऐसी चीज, आज तक किसी ने नहीं पूछा था ये, ना मेरे कभी दिमाग में। ठीक है, जी सर। कोई पूछे तो याद रह जाएगा आपको भी अब। जी और सर ये रेफरेंस तो मतलब आप ये मान के चलो अगर हम लॉगिन कंपेयर करा रहे हैं तो जैसे हम एक टैक्स एरर मैसेज प्रिंट कराना है कि प्लीज प्रोवाइड योर वैलिड यूजर नेम पासवर्ड, तो इसलिए यूज होगा ये रेफरेंस देखा जाए तो। हाँ
जो आप फॉर्म के अंदर टाइप करना स्टार्ट करते हो ना जो जेक्वेरी के अंदर, ये वही तो है जी। ऑन की अप पे जो चल गया, चलते ही फिर आपको दिखा दे कि टच टेस्ट वाले याद है, टेस्ट करते हो डर्टी इनवैलिड करते हो फॉर्म को इनवैलिड जेक्वेरी के थ्रू, जी 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 वही तो चीजें है, उन्हीं में यूज हो नहीं है टेम्पलेट वेरिएबल। मीन्स कहने का मतलब ये कि टीएस के अंदर ना बना के उस वेरिएबल को टेम्पलेट के अंदर ही बना सकते हो, जी जो लिखना है टेम्पलेट के अंदर लिख लो, आपको जो टैग लिखने हैं चलेंगे सब। अब नेक्स्ट आता है, एक आपको पढ़ना पड़ेगा यार, एक आप पढ़ने की कोशिश करना, angular.io पे जाना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खुद भी पढ़ोगे तभी ज्यादा चीजें और क्लियर होंगी। स्विच, अब स्विच का अगर सिंटेक्स पता है तो ही पढ़ सकते हो, वो जेएस में मैंने आनंद को तो करवा दिया था। एनवी स्विच सर्च कर लेना, और यार एंगुलर की जो वेबसाइट है ना बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है इस पर, पूरा एंगुलर यहीं से सीख सकते हो, टॉपिक पता होना चाहिए बस। हमें भी कोई दिक्कत आती है ना, मतलब कोई टॉपिक ऐसा आ जाए जो एंगुलर 12 में आया और कहीं नहीं आया, तो जी क्या कर, टॉपिक का पता लगता है यहीं पे सर्च करो। अब यार इतना फास्ट कैसे चल रहा है आज, ये देखो ये एनजी स्विच। और हाँ यार एक बात और बताना भूल गया, सॉरी। देखो ये इसके आगे क्या लगा हुआ है, डी लगा हुआ है ना तीनों के आगे, तो इट मीन्स ये किसका पार्ट है, डी लगा हुआ था डायरेक्टिव का, डायरेक्टिव डायरेक्टिव ठीक है, वहां पे जाके इसने यही चीज लिख रखी है। पी पी किसी के भी आगे लिखा हो इट मीन्स वो पाइप्स होगा, एस किसी के भी आगे लिखा हो सर्विसेज होगा, ये बना रखा है वो आपका, इससे कर लो, वो इससे आसान पड़ेगा आपको, मल्टीपल आएंगे उसके अंदर तो फिर कंपेयर कराओगे तो। जैसे एनजी था वैसे स्विच, स्विच के अंदर हमेशा एक्सप्रेशन लिखा जाता है, उसके बाद उसके केस बनाए जाते हैं और एंडिंग में डिफॉल्ट होते हैं, जो आपको कर रहे हो कर रहे हो ठीक है। कोशिश करना इसको समझने की यार, खुद से एक बार करने की, मुश्किल नहीं मान रहा मैं इसको। और देखो किसका पार्ट, सॉरी सब कुछ पढ़ सकते हो इसके बारे में, वैसे तो बता ही रखा है। अब आता है नेक्स्ट लूप, लूप हमारे पास यूज होता है यहां पे एनजी फोर, एनजी सर नोड के अंदर ये यूज होगा, ये सब नोड के अंदर थोड़ी होगा, वो तो एंगुलर के अंदर होगा ना, एंगुलर का पार्ट है, तो नोड तो भेजेगा बस आपको डाटा या पीएचपी जैसे कोई भी लैंग्वेज से, वो तो मैनिपुलेट तो आप ही करोगे ना अपने कोड, नोड तो प्योरली जावास्क्रिप्ट है एनजी फोर। तो एंगुलर के अंदर उसका कोई जैसे पीएचपी में भेजेंगे ऐसे एंगुलर में नहीं भेजेंगे, भेज सकते एंगुलर, एंगुलर से आप रिक्वेस्ट भेजो नोड पे या पीएचपी पे, या पीएचपी से कोई डाटा आप एपीआई के थ्रू भेजो, दोनों में सेम ही चीज है, वो तो बैकएंड का काम करता है नोड, ओके उसका इससे कोई लेना देना नहीं कि फोर क्या है इसका यहाँ का, वो तो आपको देखना जो पीछे जा रहा है क्या आ रहा है। हाँ जी लूप किसके ऊपर लगता है, एरे के ऊपर। तो चलो हमें एक एरे बनाना पड़ेगा, यूजर्स नाम का एरे बना दिया और उसके अंदर ऑब्जेक्ट भी लिया, जैसन बना देता हूँ एक डुप्लीकेट जैसन, नेम दीपक, सिटी GZB ऐसे लिखते ना गाजियाबाद, या GZB, तो कोई बात नहीं तो लिखा गया आनंद, आनंद और मैं पड़ोसी हूँ। चलिए अब यार देखो
सिंपल सी बात सोचना, आपको जो करना था इस एरे के ऊपर इस टीएस के अंदर आप आराम से कर सकते हैं, चाहे कुछ भी करना आपको, क्या आप अपने एचटीएमएल में कर सकते हो अगर एक बार एनजी फोर को छोड़ देते हो, क्योंकि टीएस का काम तो टीएस में ही कर सकते हो, एचटीएमएल में तो नहीं जाएगा। तो इसी चीज के लिए क्या यूज होता है, एनजी फोर होता है। यहाँ पे आप यूज करोगे तो फोर लूप ही करना पड़ेगा आपको। तो लेट्स सपोज, इस चीज को सबको कमेंट कर देता हूँ, टेबल बना लेता हूँ, टेबल के अंदर डाटा दिखाते हैं। पीआर एक आईडी लेता हूँ, आईडी हालांकि मैंने असाइन नहीं की हुई, अब यार पीआर किया था, पीआर पे टेबल कैसे बनाएंगे, पीएच आईडी नेम, तो यहाँ पे सिटी भेजती है। नेक्स्ट रो जो मेरे को रिपीट करा रहे हैं उसके ऊपर क्या लग जाएगा, मेरा लूप लग जाएगा एनजी फोर। अच्छा ये बताओ, फोर ऑफ लूप याद आ रहा है किसी को, फोर ऑफ, और मैंने उस टाइम कहा था ये एंगुलर के अंदर यूज होता। लेट भी सपोज कर लो यू ऑफ, आपकी प्रॉपर्टी का नेम क्या है, यूजर्स। अब इसमें क्या हुआ, जब लूप वन बाय वन चलेगा तो आपको ऑब्जेक्ट मिलता रहेगा, वो ऑब्जेक्ट से डाटा प्रिंट करवाना है तो क्या करोगे, यू डॉट, यहाँ पे तो चलो जीरो कर देता हूँ अभी के लिए, कुछ नहीं करवा रहा, यू डॉट नेम। और यू डॉट सिटी जो आपकी की है उन्हीं के भी आप पे चलेगा। देखो आ गया आपका कंप्लीट डाटा। यस सर। अच्छे वे में दिखाना चाहता हूँ, बॉर्डर लगा दो यार, स्टाइलिंग पे हम इतना फोकस नहीं करेंगे, लॉजिकली पे ही चलेंगे सब चीजों पे। बात आई इसकी आईडी वगैरह कैसे दिखाएं, है किसी के पास कोई आइडिया, अगर पीछे से कोई आईडी आ रही हो तो हम दिखा सकते हैं, अगर पीछे से नहीं आ रही आपको नंबरिंग दिखा रही 1 2 3, जैसे कि दीपक आपसे बात कर रहा हूँ इस बारे में, आपको वाइल लूप के अंदर 1 2 3 नंबरिंग दिखा रही, तो क्या करते हैं, ऊपर आई इनिशियलाइज कर लेते हैं, नीचे इंक्रीमेंट मार देते हैं। यस सर। लेकिन यहाँ पे तो ऊपर ऊपर भी कुछ नहीं कर सकते, नीचे भी कुछ नहीं कर सकते, चलो काम करके देखते हैं हम कुछ। यू डॉट इंडेक्स ये भी गड़बड़ कर रहे हैं, चलो आपने यू डॉट इंडेक्स बोला तो वो है ही नहीं, इंडेक्स तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा। उस चीज के लिए आप क्या करोगे, जो यूजर सेमी से आपकी प्रॉपर्टी खत्म होगी उसके बाद सेमी कोलन लगाओ, लेट खुद से एक्सपोज कर लो आई इज इक्वल टू इंडेक्स। अब ये इंडेक्स जो है ना फोर ऑफ ने नहीं दिया, एंगुलर ने दिया आपको, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अब दिखाता हूँ स्टार्टिंग वैल्यू जीरो से, ऐसे आप इंडेक्स निकाल सकते हो। आ गया 0 1 2। अब आपको 1 2 3 दिखाना है तो क्या करोगे, प्लस प्लस कर दो, सॉरी प्लस प्लस नहीं काम करा, प्लस वन कर दो, तो जहां पे जीरो वहां पे प्लस वन हो जाएगा, देखो आगे ना सर। ये तो प्री डिफाइंड एरे हो गया, ठीक है, प्री डिफाइंड का खुद से बनाया मैंने, नहीं यहाँ पे डिफाइंड है ना वैल्यू। हाँ। और अगर हमें वही जैसे 1 से 10 तक कुछ प्रिंट कराना है तो केवल वही आई इक्वल टू इंडेक्स और उसी को प्रिंट करा दो, राइट। यार वो एक उसका शॉर्टकट तो होता है, अगर आपको खुद से कुछ कराना ना 10 बारी 15 बारी एक शॉर्टकट होता है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ये देखना पड़ेगा, एक शॉर्टकट है इसका, अगर खुद से कुछ मैनुअली डमी डाटा चाहते हो तो, और जितना चाहते हो। सर ये लेट यू ऑफ यूजर्स जो लिखा है सर, यू उसमें तो वो क्या सब वेरिएबल है, यू मैंने खुद में सपोज किया ना, लेट से क्या करते हो आप, सपोज करते हो ये कौन से ऑफ कहां से आ रहा है, यूजर्स आपका प्रॉपर्टी बनी हुई है टीएस के अंदर, ऐसे ही इंडेक्स भी एंगुलर के अंदर ये समझ लो बना हुआ पीछे से, अपने आप बना हुआ, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, जीरो, मीन स्टार्टिंग वैल्यू, सॉरी डिफॉल्ट वैल्यू की।
एक चीज और, जैसे यूजर्स तो वहां पे डिफाइंड है, ठीक है, अगर यहाँ पर आप लेट यू इक्वल्स टू दीपक लिखो, दे दीपक के ऊपर ही एरर दे देगा, देखो रेड लाइन मतलब पर। हम यहाँ पे कुछ डिफाइन कर ही नहीं सकते नहीं नहीं डिक्लेयर वो में। तो लूप हमेशा ध्यान रखना एंगुलर के अंदर, मिस डायरेक्टिव की बात कर रहा हूँ, सॉरी एचटीएमएल की, तो हमेशा एरे के ऊपर ही लगेगा लूप और कहीं नहीं लग सकता, वो खुद दे देगा एरर, वरना कि आपने इज वैलिड के ऊपर लगा के देख लेते हैं, इज वैलिड भी तो था। देखो अब ऑफ के ऊपर दिक्कत मांगने लग गया, ये रहा देख ले। ठीक है जी वो हमेशा ये कहेगा कि आपका लूप नहीं है, वो सॉरी एरे नहीं, लूप क्या है। हमेशा ध्यान रखना डायरेक्टिव जितने भी है जो जिस चीज के लिए दिए गए उसी चीज के ऊपर लगा सकते हैं, उससे अलग लगा हुआ गड़बड़ मार देगा कहीं पर, yes. बस यही होता है हमारा डायरेक्टिव। अब नेक्स्ट क्लास में आज नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि अब कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, और हमेशा ध्यान रखना जिस चीज के भी आगे मैं कस्टम बोलूँ ना, अगर किसी भी चीज के आगे कस्टम बोलूं समझ जी लेना प्रोजेक्ट लेवल से सारा काम उसे जो है आपको करना है, तो उस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं कौन सी चीजें कहां से लेके आ रहा हूं। ठीक है, बस सर, जी सर, कस्टम ये समझ लो कि कस्टम ही इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, कस्टम ही आपसे पूछा जाएगा या कस्टम से ही प्रोजेक्ट बनेंगे हर चीज के। अब बने बनाए में तो RNG 4 MG और एनजी स्विच दे दिया, मान लो कुछ और अलग ही लेवल का खेल खेलना है तो क्या करोगे आप, तो फिर तो खुद की चीजें बनानी पड़ेगी ना। ठीक है ध्यान रखना इस चीज का, आगे जाके बहुत चीजें चेंज होंगी, कस्टम आते ही सब कुछ चेंज होता रहेगा। सर एक रिक्वेस्ट हो रहा हाँ है सर, कोई ना मतलब आपके एग्जांपल बता दो, मतलब कि किस टाइप का या कोई प्रोजेक्ट इसके थ्रू बन सकता है। एक्चुअली क्या है ना कि जब प्रोजेक्ट इतने से आता है तो ना क्या माइंड बनोगे, में, कुछ भी नहीं, इतने से तो क्या बनोगे, ये तो मैंने खुद से सिनेरियो बना के दिखा नहीं दिया है। इतने से नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हम किस टाइप का प्रोजेक्ट हम एंगुलर के थ्रू बना सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना, उससे क्लैरिटी आ जाती है, आधी क्लैरिटी तो उसी से आ जाती है। अच्छा आप कंपनी में किस लेवल का प्रोजेक्ट बना रहे हो, नहीं जैसे मैं मीन्स पीएचडी क्या में प्रोजेक्ट आप, बना, हाँ वही जैसे वही वेब वही मैं पूछ रहा डेवलपमेंट हूँ कि है, कौन सा, ई कॉमर्स बना सकते हो आप, सोशल नेटवर्किंग बना सकते हो इससे, सी वो इसके एम थ्रू एस बन बना, सकता है। हाँ सी एम एस बना सकते ओके हो, एल एम एस, सारे जितने एम ओके एस है सारे बना सकते हो, ओके बस वही यार एपीआई आपको पीछे से ही चाहिए, नहीं ये सिर्फ फ्रंट एंड दिखाने के लिए यूज होगा सिर्फ, ये तो ओके ठीक है ये सर। गूगल मीट अब आपकी एंगुलर से ही बनी हुई जी है, जीमेल आपका अच्छा जो वेबसाइट है वो भी एंगुलर से, गूगल खुद एंगुलर से, यूट्यूब खुद एंगुलर से, बैकएंड तो जो इसका बैकएंड है, मतलब अगर देखा जाए बैकएंड के लिए, अलग चीज है, जहाँ बैकएंड खुद नहीं जहाँ से हमें डेटा मिलेगा, वो आप, डायनेमिक डेटा, हाँ उसमें हम नोड यूज कर सकते हैं या पीएचपी यूज हाँ कर हाँ नोड सकते और हैं। एक्सप्रेस, हाँ जो आप करना चाहो कोई भी बैकएंड की लैंग्वेज ओके ठीक जो कि है डेटाबेस से सर, डायरेक्टली कनेक्ट होती है वो कर सकते हो कोई भी। जी ठीक है सर, मतलब इन 5-6 दिनों में ना जो आपने कराया ही एंगुलर का, मैं पूरा रट लूंगा। रटना नहीं है रटने समझना का मत, है, रट रटने का लिया मतलब, रटने का मत, जाओगे नहीं, रटने का मतलब है कि उसको पूरा गो थ्रू कर लूंगा, एग्जीक्यूट करके देख हाँ लूंगा। मैं समझ गया, हंसी मजाक की बात सर तो पूरे